नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट 24, आईना सच का। मैं आपके साथ एनी वर्मा। आइए रूबरू करवाते हैं देश की कुछ खास खबरों से। शाहजहांपुर केंद्रीय मंत्री, जनपद की सांसद कृष्णा राज के गोद लिए काकोरी कांड के अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह के पैतृक गांव में आज प्रदेश की मुख्यमंत्री ने पहुंचकर गांव में डिग्री कॉलेज, नदी पर पुल सहित 249 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के लोगों को गौ कृषि कराने वाला तक बता डाला। गांव के जिन लोगों ने डिग्री कॉलेज के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराई, वह उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना व एक जनपद एक प्रोडक्ट योजना के लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। जनपद आगमन पर प्रदेश सरकार में नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री जी को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कृष्णा राज सहित बीजेपी के सभी विधायक व अन्य जनपद के कई सांसद व विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी ने जनपद में पिछले 3 वर्ष में हुए विकास कार्यों की स्मारिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में कहा कि सर्वप्रथम भारत माता को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले अमर शहीदों को शत शत नमन। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी गोरखपुर जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के स्मारक निर्माण करा रहे हैं, परंतु आज रोशन सिंह जी की जन्म भूमि पर आने का अवसर मिला है, वह अपना सौभाग्य मानते हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद जो शहीदों के लिए होना चाहिए था वह नहीं हो पाया, परंतु वह प्रयास कर रहे हैं। जो पिछली सरकारों में विकास की गति धीमी रही, वह तेज कर रहे हैं। आज हमारा विकास है कि हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़, सौभाग्य योजना से 4 करोड़, उज्ज्वला योजना से 8 करोड़, जनधन योजना से 32 करोड़, आयुष्मान योजना से 50 करोड़ परिवारों के साथ 12 करोड़ परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य मोदी जी ने किया है। मुख्यमंत्री योगी ने आगे अपने संबोधन में कहा कि किसानों के नुकसान पर उन्होंने कहा कि खेतों में जो गौवंश नुकसान कर रहे हैं वह समाजवादी पार्टी के लोगों के हैं। वही लोग गौवंश का दूध पीकर खेतों में मात्र इसलिए छोड़ देते हैं कि बीजेपी की गौवंशीय प्रेम की छवि को धूमिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि जबकि हमने इन लोगों के गौवंश को बचाने का कार्य किया है, ये लोग गौकसी करवाते थे उस पर लगाम लगाई है। शीघ्र ही हर जनपद में, हर कस्बे में गौ सदन का निर्माण होगा, उसे काजी हाउस का नाम नहीं दिया जाएगा। कहा कि एसएसपी लागू होते हुए पहले जनसभा मोदी जी ने शाहजहांपुर में ही की थी कि उन्होंने कहा कि किसानों के लिए यूपी में 75 जनपदों में 66,000 प्रति किसान कर्ज माफी हुई है। माह जनवरी में वह युवाओं के लिए 1,25,000 नौकरियां लेकर आ रहे हैं, जिसमें 69,000 शिक्षकों के पद हैं। पुलिस की भी 50,000 भर्तियां निकल रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री के आग्रह पर शाहजहांपुर में शीघ्र डेयरी योजना की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने 11 लाख परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध कराने का कार्य किया है, जिनमें 10 लाख आवास अब तक बनकर के तैयार हो चुके हैं। 8 लाख से अधिक आवास शहरी क्षेत्र में हम लोगों ने प्रत्येक गरीब को उपलब्ध कराने का कार्य किया है। 2,49,00,000 परिवारों को हम लोगों ने एक एक शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य किया है, और ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 8 लाख परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसी प्रकार से विद्युत के कनेक्शन में आप देखेंगे 1 करोड़ से अधिक लोगों को हम लोगों ने सौभाग्य योजना में विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए, तो साथ ही साथ 6 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर हम लोग स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। मैं देख रहा था, मैं पिछले गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाता था, पहली बार हुआ है जब गन्ना किसानों का इस वर्ष हम लोग अब तक 45,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किए हैं। करंट सीजन में भी 2,000 करोड़ रुपए का नया गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है, और हम गन्ना किसानों को इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं, शाहजहांपुर में तो गन्ना शोध संस्थान भी है, नई तकनीक के साथ
किसानों के उन्नयन के लिए जिस तेजस्विता के साथ यहां के केंद्र कार्य कर रहे हैं, और मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं किसान भाइयों, आपके हितों को सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, के लिए मैं आज ये लोग अपने घरों में दूध निकाल करके और बछड़े और गाय को जबरदस्ती किसानों के खेत में छोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हमें सावधान होना होगा, लेकिन साथ ही साथ मैंने प्रशासन को एक बात व्यवस्था की है, हमने कहा कोई बात नहीं, गौ माता है उसका संरक्षण भी हम ही करेंगे। इन लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती, तो बहुत तस्करों को बढ़ावा देते हैं, गौकसी करने वाले लोगों का समर्थन करते हैं, लेकिन हम गौ माता का हर हाल में संरक्षण करेंगे और इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है। और मैं चाहूंगा जिन्होंने लगातार इस बात को फोकस किया, जहां कहीं भी ये बात आती है वे इस बात को कहने से चूकते नहीं कि शाहजहांपुर तो अमर बलिदानियों की धरती है, उन्होंने देश को कुछ दिया है, और जब देश को कुछ दिया है तो आज शाहजहांपुर के विकास के लिए भी कुछ कार्य किए जाने की आवश्यकता हो तो सरकार को देना चाहिए। आज इसीलिए एक बड़ा संग्रहालय बन रहा है शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर में संग्रहालय बनकर के, जहां पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्माउल्ला खां के पूरे जीवन दर्शन को आने वाली पीढ़ी के लिए प्रस्तुत तो किया ही जाएगा, लेकिन वहां पर एक बहुत समृद्ध लाइब्रेरी भी होगी, अत्याधुनिक सुविधा से जुड़े हुए लाइट एंड साउंड के कार्यक्रम को हम उसके साथ जोड़ेंगे, काकोरी कांड को जीवंतता के साथ वर्तमान पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करके मातृभूमि के प्रति हम भी कुछ योगदान दे सकें, इस बात का, इस प्रकार का भाव जागृत करने का एक केंद्र इन अमर शहीदों के स्मृति में बनने वाले संग्रहालय के साथ हम जोड़ने का कार्य करेंगे, रख रहे हैं, अनेक विकास कार्यक्रमों को शुभारंभ कर रहे हैं। मैंने देखा है गांव की तंग गलियों को, मैंने अभी गांव के अंदर में घुस करके ठाकुर रोशन सिंह जी के परिवार के सदस्यों से मिलकर के मैं आया हूं, गांव के अंदर की गलियों को मैंने देखा है, और मुझे लगा कि वास्तव में आजादी का जो लाभ इस देश के उन परिवारों को मिलना चाहिए था, बहुत देर हुई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज उसी को सुधारने के लिए हम सब आपके इस गांव में आए हैं, अन्यथा कार्यक्रम तो शाहजहांपुर में भी हो सकते थे, अन्य मुख्यालयों पर भी हो सकते थे, लेकिन यह प्रेरणा स्थली है, आने वाली पीढ़ी के लिए तीर्थ स्थल है, यह देश जब भी अपनी आजादी के किसी दौर से गुजरेगी, जब भी इस देश को प्रेरणा के केंद्र के रूप में किसी एक स्थल को चयन करना पड़ेगा, देश के उन अमर बलिदानियों की भूमि पर, उनकी पैतृक भूमि से प्रेरणा प्राप्त करता रहेगा, इसमें कोई संदेह हमें नहीं होना चाहिए, और इसलिए यह प्रेरणा स्थली के रूप में यह धरती और इसको यही मान्यता देने के लिए आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मैं आप सबके बीच में यहां पर उपस्थित, मैं आभार व्यक्त करता हूं पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी का, जब उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि ठाकुर रोशन सिंह का गांव शाहजहांपुर जनपद में पड़ता है, नवादा दरोबस्त गांव, और इस गांव में एक डिग्री कॉलेज के निर्माण के साथ ही अनेक कार्यक्रम यहां पर हो सकते हैं, तो मैंने कहा जरूर कार्यक्रम में हम लोग चलेंगे। विधानसभा में जब हमारे विधायक ने मांग की, सही कह रहे हो, भारत माता के महान सपूतों ने यही तो प्रेरणा हम सबको दी, उन्होंने इस बारे में हमेशा हमको कहा था। मित्रों, आज जब हम लोग, मैं इस पवित्र भूमि पर आया हूं, और मैं धन्यवाद दूंगा श्रीमती कृष्णा राज जी को, उन्होंने सांसद आदर्श गांव के रूप में इस गांव का चयन किया। एक सांसद के रूप में 1500 से 2000 गांव होते हैं, लेकिन उनके मन में भाव था कि देश की आजादी के लिए जिस अमर बलिदानी ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है, जिस गांव ने उस अमर बलिदानी को पैदा किया है, मेरा सांसद आदर्श गांव वह गांव बनेगा, और उन्होंने इस गांव को उस रूप में चयन किया।
इससे पहले पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी ने 1991 में शाहजहांपुर क्रफको फैक्ट्री फर्टिलाइजर वहाँ पे एक ड्राइवर का हाथ कट जाने पे चार कंप्लेंट करी, प्रशासन ने कोई साझाप सुनी नहीं। 13 महीने से चल रही है मजदूर किसान यूनियन के साथ से कोई बात नहीं सुनी जा रही है। हम अधिकारी किस तरीके से मनमानी रवैया अपना रहे हैं, अधिकारी किस तरीके से मनमाना रवैया अपनी पूरी पूरी अधिकार से मनवा रहे हैं। पूरी सही मांग क्या है तुम्हारी, क्या मांग है? मेरी मांग है कि उस ड्राइवर का जिसका हाथ कट गया, उसका नाम विनोद है, मेरा नाम तो भी योगी, मेरा नाम कप्तान सिंह, उन्हीं से मेरी बात कराइए, उन्हीं से तो कुछ कहना है। प्रशासन कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है। और उन 13 मांग तुम्हारी नहीं मानी जाएगी, क्या करोगे आगे? 13 मांग नहीं मानी जाएगी तो क्या करोगे? 3 मांग नहीं मानी जाएगी तो क्या करोगे? क्या करेंगे? चुपचाप बैठेंगे और क्या करेंगे? गरीब क्या कर सकता है? गरीब क्या कर सकता है? प्रदेश के मुख्यमंत्री आकर के सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। जितना धन उनकी मंच पे उनको लाने में खर्च किया जा रहा है, काश यही धन विकास कार्यों पर लग जाता तो शाहजहांपुर का विकास हो जाता। अभी पहले माननीय प्रधानमंत्री देश के आए थे, उन्होंने 60 करोड़ रुपया यहाँ पानी की तरह बहाया और 60 रुपये का किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री का विरोध करते हैं और काले झंडे दिखाएंगे और अभी वहाँ जा करके अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे। हम सभी किसान आए हुए हैं योगी जी का आवाज उठाने के लिए कि ठेकेदार लोग किसानों का धान नहीं खरीद रहे हैं, मिल माफियों के साथ मिलके किसानों के साथ गद्दारी की जा रही है।